सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बारे में। वल्लभाचार्य जी को भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने ही सूरदास जी की सच्ची भक्ति एवं पद रचना की निपुणता देख अति विनयी सूरदास जी को भगवत कथा श्रवण कराकर भगवान श्री कृष्ण के लीला गान की ओर उन्मुख किया था तथा उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी थी। इन्होंने ही सूरदास जी को तत्व ज्ञान कराया था एवं लीला भेद बताया था। सूरदास जी ने स्वयं कहा है, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। सूरदास जी की गुरु के प्रति निष्ठा दृष्टव्य है। सूरदास जी ने लिखा है, दृढ़ इन चरण कैरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। इन पंक्तियों में सूरदास जी की गुरु के प्रति निष्ठा स्पष्ट है। शुद्ध द्वैत ब्रह्मवाद के महान आचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य भारत के धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इन्होंने भारतीय धर्म साधना को नया आयाम दिया तथा वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति धारा को अपूर्व विशिष्टता प्रदान की। श्री वल्लभाचार्य जी के पूर्वज आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित कांकरवाड़ स्थान के निवासी थे। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी और गोपाल कृष्ण के उपासक थे। गोपाल मंत्र इनका दीक्षा मंत्र था। यह परिवार अत्यंत धार्मिक था। इस परिवार में कई पीढ़ियों से वैदिक सोम यज्ञों की परंपरा चल रही थी। श्री वल्लभाचार्य जी के पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट ने अपने परिवार में सोम यज्ञ की परंपरा आरंभ की थी। उन्हें भगवान से यह वरदान मिला था कि 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर मैं आपके परिवार में ही अवतार लूंगा। इस वरदान को सफल होने की प्रतीक्षा में इस परिवार में 5 पीढ़ियों तक सोम यज्ञों की अखंड परंपरा चलती आ रही थी। इसी वंश में 5वीं पीढ़ी में वल्लभाचार्य जी के पिता श्री लक्ष्मण भट्ट का जन्म हुआ था। ये भी अपने पूर्वजों के समान अत्यंत विद्वान थे। इनका विवाह विजयनगर के धर्माधिकारी सुधर्मा की पुत्री इलम्मा गारू के साथ हुआ था। इनके रामकृष्ण नामक एक पुत्र और सरस्वती तथा सुभद्रा नामक 2 पुत्रियां हुईं। इस समय तक श्री लक्ष्मण भट्ट 5 सोम यज्ञ पूर्ण कर चुके थे और इसी के साथ इस वंश का 100 सोम यज्ञ करने का संकल्प पूरा हो चुका था। अब श्री लक्ष्मण भट्ट जी को विश्वास था कि उनकी आगामी संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतार लेंगे। श्री लक्ष्मण भट्ट बृहद ब्रह्म भोज का संकल्प लेकर काशी आए। उनके मन में इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता थी कि अब 100 सोम यज्ञ पूर्ण हो जाने पर इनके परिवार में भगवान का प्राकट्य होगा। श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी में हनुमान घाट पर एक मकान लेकर रहने लगे। उनका समय अध्ययन अध्यापन और शास्त्र चर्चा में व्यतीत होता था। काशी के बाद उच्च कोटि के विद्वानों से उनका संपर्क था। उन्हीं दिनों एक बार काशी पर प्रबल मुस्लिम आक्रमण होने की आशंका बनी। कई लोग काशी छोड़ने पर विवश हो गए। लोग काशी छोड़कर जाने लगे। श्री लक्ष्मण भट्ट भी अपनी धर्मपत्नी इलम्मा गारू के साथ अपने मूल स्थान आंध्र की ओर चल पड़े। उस समय इलम्मा गारू को 7 मास का गर्भ था। उनकी स्थिति यात्रा के लायक नहीं थी, लेकिन काशी छोड़ना भी आवश्यक था। इसलिए वह अपने पति के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा लंबी और कष्टप्रद थी। इलम्मा गारू काफी थक गई थी, फिर भी यात्रा जारी रखी गई और वो चलती रही। संवत 1535 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये लोग मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास चंपारण्य नामक स्थान पर पहुंचे। लगातार यात्रा के कारण इलम्मा गारू को असमय ही प्रसव वेदना होने लगी। इन्हें वहीं रुकना पड़ा। सब लोग पास के चौड़ा नगर में रात्रि को विश्राम करना चाहते थे, लेकिन इलम्मा जी वहां तक पहुंचने में असमर्थ थी। इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी अपनी पत्नी के साथ उसी निर्जन वन में रुकने पर विवश हो गए। उनके साथ ही आगे बढ़कर चौड़ा नगर में पहुंच गए। उसी रात्रि को
इलम्मागारू ने उस निर्जन वन में एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे शिशु को जन्म दिया। यह शिशु अपने समय से पहले ही जन्म ले चुका था। बालक पैदा होते ही संज्ञाहीन सा प्रतीत हुआ। नवजात शिशु ना तो रोया और ना ही उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल थी। रात्रि के उस अंधकार में इन्होंने अपने पति को बताया कि मृत बालक उत्पन्न हुआ है। लक्ष्मण भट्ट जी ने इसे भगवान की इच्छा माना और बालक को शमी वृक्ष के नीचे वस्त्र में लपेटकर वृक्ष के कोटर में रख दिया और उसे सूखे पत्तों से ढक दिया। तदुपरांत उस बालक को वहीं छोड़कर वह अपनी पत्नी के साथ चौड़ा नगर में जाकर रात्रि विश्राम के लिए निकल गए। श्री लक्ष्मण भट्ट और इलम्मागारू जी 100 सोमयज्ञ पूर्ण होने पर भगवान के अवतार के दिव्य सपने संजोए हुए थे, लेकिन ये क्या हो गया? 100 सोमयज्ञ का फल मृत शिशु, यह जानकर वे अत्यंत दुखी थे। माता का हृदय तो टूट ही गया था, उनकी आंखों में नींद नहीं थी, आंसू भरे हुए थे। थोड़ी देर में लक्ष्मण भट्ट को झपकी लग गई, तभी उन्हें स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे, जिस नवजात शिशु को आप मृत जानकर छोड़ आए हैं, उसके रूप में मैं स्वयं ही तो तुम्हारे घर पधारा हूं। लक्ष्मण भट्ट चौंक कर जाग गए। उन्होंने इलम्मागारू को कहा, देवी दुखी मत हो, हमारा शिशु जीवित है, शिशु के रूप में भगवान पधार चुके हैं। चलो हम लौटकर चलते हैं जहां शिशु को छोड़कर आए हैं, वहां जाकर देखते हैं कि हमारा शिशु कैसा है। चलकर हम उस दिव्य शिशु को लेकर आते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल यात्रियों ने बताया कि काशी पर मुस्लिम आक्रमण का संकट दूर हो गया है। अब सब ने काशी वापस जाने का फैसला किया। चलते चलते पति पत्नी उसी वृक्ष के पास पहुंचे। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उस वृक्ष के चारों ओर अग्नि कुंड के समान अग्नि जल रही है। ममता मई मां ने अग्नि की परवाह नहीं की, दौड़कर अपने लाल को छाती से लगा लिया। बच्चा आग के बीच में किलकारियां मारते हुए प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा था। शिशु जीवित और सकुशल था। माता ने बालक को छाती से चिपकाकर दूध पिलाया। उनके आंखों से हर्ष के आंसू बह रहे थे। लक्ष्मण भट्ट भी आनंद मग्न थे। इस प्रकार वल्लभाचार्य जी का अलौकिक दिव्य प्राकट्य संवत 1535 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। अंग्रेजी के अनुसार यह तारीख 27 अप्रैल 1479 थी। नवजात शिशु को लेकर पिता लक्ष्मण भट्ट और माता चौड़ा नगर गए। वहां के प्रमुख कृष्णदास आपके पूर्व परिचित थे। श्री लक्ष्मण भट्ट के आशीर्वाद से कृष्णदास को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, इसलिए वह श्री लक्ष्मण भट्ट जी का अत्यंत सम्मान करते थे। उन्होंने लक्ष्मण भट्ट जी का स्वागत किया। कुछ दिनों तक माता पिता बालक के साथ वहीं ठहरे। नामकरण संस्कार में बालक का नाम वल्लभ रखा गया, वल्लभ अर्थात प्रिय। लक्ष्मण भट्ट जी को यह पता था कि काशी पर आया हुआ संकट टल गया है, इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी ने पुनः काशी की ओर प्रस्थान किया। 6 मास की उम्र में श्री वल्लभ का अन्न प्राशन संस्कार हुआ। उस समय उनके सामने अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी गईं। उन वस्तुओं में से बालक ने खिलौने आदि वस्तुएं ना उठाकर पुस्तक उठाई। इससे वहां उपस्थित व्यक्तियों ने यह अनुमान लगा लिया कि यह बालक भविष्य में असाधारण विद्वान होगा। समय के साथ बालक बड़ा हो रहा था। बच्चे जब राजा सिपाही का खेल खेलते थे, तब श्री वल्लभ या तो गुरु बनते थे और या फिर राजा और अन्य सभी को उपदेश देते थे। वे जब भगवान श्री कृष्ण के गुणों और रसमयी लीलाओं का वर्णन करते थे तो सभी भावमग्न हो जाते थे। सभी बच्चों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता था। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर में अनेक चित्र थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाएं चित्रित थीं। इनमें एक चित्र रासलीला का था। बालक श्री वल्लभ इस रासलीला के चित्र को घंटों तक निहारा करता था। भगवान की रासलीला के दिव्य भावों का श्री वल्लभ के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने श्रीमद् भागवत पर लिखी गई अपनी सुप्रसिद्ध सुबोधिनी टीका में भगवान की रासलीला के दिव्य रहस्यों को सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है तथा रासलीला को परम फल रूपा माना है। 8वें वर्ष की उम्र में श्री वल्लभ का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री वल्लभ ने व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेद वेदांत, पूर्व मीमांसा, योग, सांख्य, आगम शास्त्र, गीता, भागवत, पंचरात्र,
शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क आदि आचार्यों के मतों तथा विभिन्न दर्शनों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जैन बौद्ध आदि के सिद्धांतों का भी ज्ञान प्राप्त किया। श्री लक्ष्मण भट्ट स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे और विभिन्न शास्त्रों के विद्वानों से उनका अच्छा संपर्क था। इन्होंने अपने पुत्र श्री वल्लभ को विभिन्न शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वानों के पास अध्ययन के लिए भेजा, जिससे बालक को शास्त्रों का गंभीर और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो सके। सन 1490 में जब श्री वल्लभ 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी का स्वर्गवास हो गया। उनके उत्तर कार्य संपन्न करने के पश्चात श्री वल्लभ ने अपनी माता जी के साथ काशी छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा करने का निश्चय किया, क्योंकि उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में मुस्लिम साम्राज्य था तथा दक्षिण में विजयनगर में शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां श्री वल्लभाचार्य के मामा रहते थे। वे राज्य के दानाध्यक्ष थे। वहीं श्री वल्लभाचार्य ने अपनी माता जी को छोड़कर संपूर्ण भारत का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि दक्षिण भारत शंकर, रामानुज, भास्कर, निम्बार्क, मध्व आदि महान आचार्यों की जन्मभूमि थी। वहां इन आचार्यों के महत्वपूर्ण पीठ थे। श्री वल्लभ की इच्छा थी कि उन स्थानों पर जाकर भारतीय दर्शन के विभिन्न मतों के विद्वानों से संपर्क करें और उनकी चर्चा हो और शास्त्रार्थ हो। श्री वल्लभाचार्य ने 3 बार सारे भारत की यात्रा की। आप यज्ञोपवीत, मृगचर्म, दंड, कटिमेखला, तुलसीमाला, तिलक, कमंडल, कोपीन, कटिवस्त्र, उपवस्त्र धारण किए हुए रहते थे। केश जटारूप थे, ये ब्रह्मचारी वेश में रहते थे, पैरों में पादुकाएं भी नहीं पहनते थे। इन यात्राओं को संप्रदाय के ग्रंथों में श्री वल्लभ दिग्विजय तथा पृथ्वी परिक्रमा के रूप में वर्णित किया गया है। इन यात्राओं से श्री वल्लभाचार्य को देश की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को जानने का अवसर मिला। ये यात्राएं उनके लिए एक ओर तो शिक्षाप्रद यात्राएं थी तो दूसरी ओर उनकी ज्ञान गरिमा के प्रचार प्रसार और व्यापक प्रभाव का कारण भी बनी। श्री वल्लभ काशी से तीर्थराज प्रयाग, चित्रकूट, अपनी जन्मभूमि चंपारण्य, अमरकंटक होते हुए वर्धा पधारे। वहां के धनपति के पुत्र दामोदर दास हरसानिया आपके साथ चल दिए, जो कि जीवन भर छाया के समान इनके साथ रहा। वे अपने काका जनार्दन के पास अग्रहार पहुंचे। वहां श्री वल्लभ के छोटे भाई केशव का यज्ञोपवीत हुआ। वहां से वे तिरुपति में श्री वेंकटेश भगवान के दर्शन कर विजयनगर पहुंचे। माताजी एवं परिवार को विजयनगर में अपने मामा के घर छोड़कर बाद की यात्राएं आपके अपने पिताजी के कतिपय शिष्यों शंभु, स्वयंभू, विभु, स्वभू, केतु, कमंडलु, लकुटालोकी तथा अपने शिष्यों दामोदर दास हरसानी तथा कृष्णदास मेघन के साथ की। कालांतर में श्री वल्लभ अपने शिष्यों के साथ प्रवास करते रहे। समय के साथ आचार्य के रूप में इनकी कीर्ति फैल गई। इस संबंध के 2 प्रसंग विशेष उल्लेखनीय हैं। एक प्रसंग जगन्नाथपुरी का है। जब श्री वल्लभ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए तो वहां एक विशाल धर्म सभा जुड़ी हुई थी, जिसमें विभिन्न दार्शनिक धार्मिक संप्रदायों के विद्वान सम्मिलित हुए थे। इस धर्म सभा में वहां का राजा भी उपस्थित था। चर्चा 4 प्रश्नों पर केंद्रित थी। पहला, मुख्य शास्त्र कौन सा है? दूसरा, मुख्य देव कौन है? तीसरा, मुख्य मंत्र क्या है? चौथा, मुख्य कर्म क्या है? इन 4 सवालों के लिए उपस्थित विद्वान अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु कोई सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत नहीं हो सका था। जब श्री वल्लभ ने वहां पहुंचकर यह देखा कि निर्णय हुआ ही नहीं है और धर्म सभा विसर्जित होने वाली है, तो इन्होंने राजा से चर्चा में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी और इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल था, मुख्य शास्त्र कौन सा है? इन्होंने इसका जवाब दिया, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। दूसरा सवाल था, मुख्य देव कौन है? इनका जवाब था, श्री कृष्ण ही एकमात्र देव है। तीसरा सवाल था, मुख्य मंत्र क्या है? इनका जवाब था, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है। और चौथा सवाल था, मुख्य कर्म क्या है? इनका जवाब था, भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। लगभग सभी विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत थे, किंतु कुछ स्वयं को महापंडित मानने के अहंकार में डूबे हुए विद्वान इस निष्कर्ष के लिए प्रमाण चाहते थे। कहा जाता है कि प्रमाण प्राप्त करने के लिए कागज कलम दवात श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिए गए तथा द्वार बंद कर दिया गया,
थोड़ी देर के बाद जब पट खोले गए तो कागज पर एक श्लोक लिखा हुआ था जिससे वल्लभ द्वारा दिया गया निष्कर्ष प्रमाणित होता था। यह श्लोक था, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येक तस्य नामानि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। श्री वल्लभाचार्य ने इस श्लोक को अपने शास्त्रार्थ प्रकरण नामक ग्रंथ में भी उद्धृत किया है। आपने लिखा है कि भगवान श्री हरि ने संदेह की निवृत्ति के लिए स्वयं ही ये उद्गार व्यक्त किए हैं। इस प्रसंग से श्री वल्लभ को दार्शनिक धार्मिक क्षेत्र में अत्यंत आदर के साथ देखा जाने लगा। ऐसा ही दूसरा प्रसंग उस समय के गरिमा में हिंदू साम्राज्य विजयनगर का है। श्री वल्लभ जब विजयनगर पहुंचे तो वहां कई दिनों से एक धर्म सभा चल रही थी। उसमें शास्त्रार्थ चल रहा था। विषय था कि सभी शास्त्रों मुख्यतः प्रधान त्रयी वेद, व्यासकृत ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के प्रतिपाद्य सिद्धांत क्या हैं, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, मायावाद के सिद्धांत का शास्त्रीय आधार है या नहीं। इस शास्त्रार्थ में दो पक्ष थे, एक ओर द्वैतवादी मध्वाचार्य के अनुयायी तथा अन्य वैष्णव संप्रदाय थे तथा दूसरी ओर अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुयायी थे। अध्यक्ष एवं निर्णायक के पद पर दिध्यातीर्थ आसीन थे। इस समय यद्यपि विजयनगर के राजा नरसिंह थे किंतु वास्तविक शासन उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय का चलता था, इसलिए उनका उल्लेख राजा कृष्णदेव राय के रूप में हुआ है। उन्हीं के निर्देशों से यह बड़ा आयोजन किया गया था। श्री वल्लभ जब विजयनगर पहुंचे तब कई दिनों से चल रहे इस शास्त्रार्थ में यह स्थिति बन गई थी कि द्वैत मतावलंबी एवं वैष्णव हारते जा रहे थे और अद्वैतवादियों का पलड़ा भारी होता जा रहा था। श्री वल्लभ को शास्त्रार्थ में प्रवेश मिल गया। श्री वल्लभ ने वेद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के आधार पर सभी प्रतिपक्षी विद्वानों को अकाट्य उत्तर दिए और वैदिक ब्रह्मवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने सिद्ध किया कि इसी अर्थ का निर्णय श्री हरि ने सभी वेद वाक्यों, रामायण, महाभारत, पंचरात्र तथा अन्य शास्त्र वचनों और व्यास सूत्रों में एक वाक्यता स्थापित करते हुए इसके रहस्य का श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय किया है। श्री वल्लभ के अकाट्य तर्कों और सप्रमाण शास्त्रीय विवेचन का प्रतिपक्षियों के पास कोई उत्तर नहीं था। अंत में अध्यक्ष श्री विद्यातीर्थ ने मध्यस्थतों के निष्कर्ष और राजा कृष्णदेव राय की सहमति से वल्लभाचार्य को विजयी घोषित किया। निर्धारित तिथि के दिन श्री वल्लभ को सोने के पीठ पर बैठाकर सोने के पात्रों से कनकाभिषेक किया गया। बाद में राजा ने श्री वल्लभ से उन सोने के पात्रों को स्वीकार करने की प्रार्थना की किंतु श्री वल्लभ ने इन पात्रों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके त्याग से सभी बहुत प्रभावित हुए। उनकी इच्छा अनुसार सारा सोना विद्वानों और ब्राह्मणों में बांट दिया गया। कनकाभिषेक के बाद आपका आचार्य के रूप में तिलक किया गया। श्री वल्लभाचार्य ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन इनकी माताजी हमेशा इनसे विवाह के लिए आग्रह करती रहती थी। जबकि वल्लभाचार्य जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उनका विवाह धर्म संस्कृति के कार्य में बाधक हो सकता है। इसी बीच प्रवास करते हुए वे पंढरपुर पहुंचे। वहां प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी और श्री रुक्मणी जी यानी के विठोबा रुकुमाई के दर्शन अर्चन किए। रात्रि में स्वप्न में श्री विठोबा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं, तुम एक महान धर्माचार्य बनोगे। सन्यासी होने की अपेक्षा अच्छा यही होगा कि तुम गृहस्थ बनकर धर्म प्रचार करो। गृहस्थ आचार्य के रूप में तुम धर्म की अधिक सेवा कर सकोगे। शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख एक कन्या का विवाह प्रस्ताव आएगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। भगवान का आदेश मिलने पर श्री वल्लभाचार्य ने विवाह करके गृहस्थ जीवन जीने का निर्णय कर लिया। श्री वल्लभाचार्य बघेलखंड के चंदेरी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां का राजा रामचंद्र एक सिद्ध किंतु महान क्रोधी यति घट सरस्वती से बहुत प्रभावित था। उस यति के संबंध में कहा जाता था कि सरस्वती उसके वश में है। राजा की पुत्री को भी उसने अपनी आकर्षण विद्या से सम्मोहित कर लिया था। वह कोई भी रूप धारण कर सकता था, वह आकाश मार्ग से यात्रा भी कर सकता था। सरस्वती एक घट में विराजमान होकर उसी के पक्ष में निर्णय दिया करती थी। श्री वल्लभाचार्य जी से जब इस यति का शास्त्रार्थ हुआ तब उसने बीच में निर्णायक के रूप में घट को रख दिया था। घट में सरस्वती स्थित थी।
जब घट में स्थित सरस्वती से पूछा गया तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। यति परेशान हो गया। जब उसने बहुत आग्रह किया तो सरस्वती ने श्री वल्लभाचार्य के पक्ष में निर्णय दिया। क्रोधी यति ने पूछा, यह आपने क्या किया? तो घट से आवाज आई, वाणी सरस्वती के स्वामी श्री हरि हैं। श्री वल्लभाचार्य स्वयं भगवान के मुख वैश्वानर के अवतार हैं। वैश्वानर यानी कि अग्नि, अर्थात श्री वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण की मुखाग्नि के अवतार हैं। इसलिए उनके सही पक्ष के विरुद्ध तुम्हारे पक्ष में मैं झूठा निर्णय कैसे दे सकती हूँ? यह सुनकर यति घट सरस्वती लज्जित हो गया। राजा रामचंद्र भी श्री वल्लभाचार्य जी की शरण में आ गए और उन्होंने शरण मंत्र लिया। भगवान विठोबा की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए तथा माता जी की इच्छा का सम्मान करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी ने द्वितीय भारत भ्रमण से काशी लौटने पर देवन भट्ट की पुत्री महालक्ष्मी से विवाह किया। विवाह के उपरांत आप पुनः तीसरी बार धर्म प्रचार हेतु भारत भ्रमण पर चल दिए। जब आप गुजरात सौराष्ट्र की यात्रा पूरी करके झारखंड का प्रवास कर रहे थे, तब इन्हें भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि मैं ब्रिज में प्रकट हुआ हूँ, वहां चले जाइए। इसलिए इन्होंने अपने विचारों की दिशा बदल दी और ब्रिज की ओर चल दिए। चलते चलते ये गोकुल पहुंचे। एक रात्रि ये सोच रहे थे, दोषों से भरे जीव का निर्दोष पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु से संबंध कैसे हो सकता है? दोषों से भरे जीव को प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे? सहसा चमत्कार हुआ, भगवान श्री गोवर्धन धर साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने कहा, जीवो ब्रह्म संबंध करो। ब्रह्म संबंध से जीव के सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है और उन्हें मैं अंगीकार करता हूँ। यह एकादशी की रात्रि थी। भगवान को पवित्र समर्पित करके इन्होंने संदेश दिया कि पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों और मन से सांसारिक वस्तुओं, संबंधों और प्रवृत्तियों को तथा स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करने से जीव में भगवदीयता आती है और वह निर्दोष और पवित्र हो जाता है। इस महान दैवीय घटना को वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में दिया है। इसके बाद श्री वल्लभाचार्य श्री गोवर्धन धर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य स्थल को खोजते हुए ब्रिज के अन्योर ग्राम में पहुंचे। वे वहां सद्दू पांडे के घर के ओटले पर ठहरे। वहां पर भी ये घटना घटित हुई। पर्वत से किसी बालक की आवाज आई, अरे नरो, दूध ला। सद्दू पांडे की बेटी का नाम था नरो। नरो ने उत्तर दिया, लाला, आज तो हमारे घर पाहुने आए हैं। पर्वत से फिर आवाज आई, पाहुने आए हैं तो क्या हुआ, अच्छा है, पर मेरे लिए दूध तो ले आ। नरो ने प्यार से कहा, अभी लाती हूँ लाला। श्री वल्लभाचार्य को जब यह आवाज सुनाई दी तो उन्हें लगा कि यह स्वर तो प्रभु का है, क्योंकि झारखंड में प्रभु ने जब मुझसे बात की थी तो उनका स्वर यही था और उन्हीं के आदेश से तो मैं यहाँ आया हूँ। निश्चय ही प्रभु का प्राकट्य यही हुआ है। वह इसी चिंतन में लीन थे तभी नरो गोवर्धन नाथ को दूध पिलाकर लौट आई। आचार्य श्री ने पूछा, इस लुटिया में कुछ दूध बचा है क्या? नरो बोली, हाँ थोड़ा बचा है, लेकिन मैं अभी लुटिया भरकर ले आती हूँ। आचार्य जी ने कहा, नहीं, हम तो जो इसमें बचा है वही दूध मांग रहे हैं। नरो ने लुटिया आचार्य जी को दे दी। श्री वल्लभाचार्य ने प्रभु श्रीनाथ जी का वह अधरामृत ग्रहण किया और उन्हें परम तृप्ति का आभास हुआ। हर्ष के कारण उन्हें रोमांच होने लगा। सद्दू पांडे के परिवार के लोगों से उन्हें पता चला कि वहां भगवान की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। आचार्य जी भाव विभोर हो गए थे। प्रातःकाल श्री वल्लभाचार्य गिरिराज गोवर्धन पर पधारे। वहां उन्होंने साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी को देखा। श्री वल्लभाचार्य दौड़ते हुए प्रभु की ओर बढ़ रहे थे। प्रभु ने आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। इस प्रसंग के संबंध में गुजराती के भक्त कवि गोपाल दास ने श्री वल्लभ भाख्यान में लिखा है, हर्षेते सामा अविया श्री गोवर्धन धरण। भगवान श्री कृष्ण भी वल्लभाचार्य को देखकर बहुत प्रसन्न थे। श्री वल्लभाचार्य ने श्री गोवर्धन धर यानी के भगवान श्री नाथ जी के लिए घास फूस का खपरेल वाला एक छोटा सा मंदिर बनवाया और प्रभु को पाट पर बैठाया, विराजमान किया। श्री नाथ जी की राग भोग श्रृंगार युक्त भावमयी सेवा प्रेम पूर्विका पूजा की प्रणाली निश्चित की। भक्त और भगवान का यह मिलन अद्भुत था। उन दिनों दिल्ली में सिकंदर लोदी का राज्य था और मथुरा भी दिल्ली के सुल्तान के अधीन थी। श्री वल्लभाचार्य को ब्रिज बहुत प्रिय था। श्री वल्लभाचार्य जी
पूरे ब्रज की यात्रा करना चाहते थे। उनके साथ सैकड़ों वैष्णव भी ब्रज यात्रा करने के लिए लालायित थे, किंतु स्थानीय अधिकारियों ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी निराश नहीं हुए। श्री वल्लभाचार्य ने अपने दो योग्य एवं विश्वसनीय शिष्यों वासुदेव छकड़ा व कृष्णदास मेधन को दिल्ली में सुल्तान के पास भेजा। उनके शिष्यों ने सुल्तान से वल्लभाचार्य जी का संदेश कहा। श्री वल्लभाचार्य के असाधारण अलौकिक प्रभाव के कारण सुल्तान ने सभी प्रतिबंध हटा लिए। आचार्य श्री के नेतृत्व में द्वादशवीं ब्रज यात्रा संपन्न हुई। 3 बार भारत भ्रमण के बाद वल्लभाचार्य जी काशी में रहने लगे, लेकिन वहां कुछ कुटिल प्रवृत्ति के लोग महाप्रभु जी को कष्ट देते थे, जिससे वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ लेखन में बाधा उपस्थित होती थी। अतः श्री महाप्रभु जी ने काशी छोड़कर अपना निवास काशी के पास चरणाट यानी चरणाद्री नामक स्थान पर बना लिया। वहां कुछ दिनों तक उनका भगवत सेवा, सत्संग, चिंतन और लेखन का कार्य निर्विघ्न चला। लेकिन काशी के पास होने के कारण वहां भी अनेक व्यक्ति शास्त्रार्थ के लिए उन तक पहुंचते थे। श्री महाप्रभु जी ग्रंथ लेखन में ज्यादा समय देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने तीर्थराज प्रयाग के पास गंगा किनारे अडेल नामक ग्राम को अपना स्थायी निवास बना लिया, जहां से उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। श्री वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र विट्ठलनाथ जी थे। इन्हें भी क्रमशः भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण का अंश माना जाता है। महाप्रभु जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। गृहस्थ होकर भी गृह या धन संपत्ति से उन्हें कोई लगाव नहीं था। उन्हीं दिनों अंबाला के एक व्यापारी पूरण मल खत्री को भगवत प्रेरणा हुई कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया जाए। उसने महाप्रभु जी से यह बात कही और महाप्रभु जी ने मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी। अब श्री वल्लभाचार्य को भगवान की तरफ से स्वधाम पधारने की भगवत आज्ञा हुई। जनता के लिए श्री वल्लभाचार्य जी अब केवल सद्गुरु और धर्माचार्य ही नहीं रह गए थे। जनता उन्हें असीम श्रद्धा के साथ महाप्रभु जी कहने लगी थी। भक्तगण तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का रूप ही मानते थे। वल्लभाचार्य जी अब उनके प्रभु मिलन में कोई रुकावट नहीं चाहते थे। उन्होंने घर का त्याग कर भक्ति मार्गे संन्यास लेने का निश्चय किया। धर्मपत्नी की अनुमति आवश्यक थी, लेकिन महालक्ष्मी जी असमंजस में पड़ गईं। वे स्वीकृति नहीं दे पा रही थी। एक दिन अचानक घर की यज्ञशाला में अचानक भारी आग लग गई। उस समय महाप्रभु जी यज्ञशाला में थे। महालक्ष्मी जी ने घबराकर कहा, घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। महाप्रभु जी बाहर आए और उन्होंने महालक्ष्मी जी से कहा, देवी, आपने घर से बाहर निकलने के लिए कहा है, सो मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। इसे आपकी अनुमति समझकर मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। अपने दोनों पुत्रों और परिवार को अपने प्रिय एवं सुयोग्य शिष्य दामोदर दास हरसानी के संरक्षण में छोड़कर मध्यवेंद्र यति से आपने भागवत त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। महाप्रभु जी श्रेष्ठ वक्ता थे, विवाकपति कहलाते थे। वे भगवान के श्री मुख्य अवतार साक्षात अग्नि स्वरूप थे। संन्यास लेकर इन्होंने अखंड मौन धारण कर लिया। सन्यासी वेश में वे 1 सप्ताह बाद काशी के लिए चल दिए। गंगा जी के पवित्र तट पर हनुमान घाट पहुंचे। उस समय इनके दोनों पुत्र गोपीनाथ जी और विट्ठलनाथ जी इनके कुछ शिष्यों के साथ वहां आए और उन्होंने इनसे उपदेश देने की प्रार्थना की। महाप्रभु जी मौन व्रत ले चुके थे, इसलिए इन्होंने गंगा की रेती पर अपना अंतिम उपदेश 3.5 श्लोकों में लिख दिया। इस उपदेश को सार्धमय श्लोकी या शिक्षा श्लोक कहा जाता है। उनके लिखे हुए श्लोक का अर्थ कुछ यूं है, यदि तुम भगवान को भुलाकर बहिर्मुख होगे, अर्थात भगवान को भुलाकर संसार की ओर प्रवृत्ति करोगे, तो तुम्हारे देह चित्त आदि काल के प्रवाह के प्रभाव में आ जाएंगे और ये तुम्हें पूरी तरह से खा जाएंगे, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। प्रभु कृष्ण लौकिक वस्तुओं और लौकिक भावों आदि को कोई महत्व नहीं देते, मानते नहीं हैं। अतः हमारे मन में यही सुदृढ़ होना चाहिए कि हमारे तो इस लोक और परलोक में सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। वे ही हमारे सर्वस्व हैं। हमारे सर्व भाव से, शरीर मन बुद्धि आत्मा से उन्हीं गोपीश्वर श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उन्हीं से इस लोक और परलोक में हमारा सब कुछ बनेगा। महाप्रभु की यह अंतिम शिक्षा केवल अपने दोनों पुत्रों के लिए नहीं थी,
अपितु सभी वैष्णवों के लिए, शिष्यों के लिए स्थायी उपदेश और चेतावनी थी। यह स्पष्ट मार्गदर्शन एवं चेतावनी भरा दस्तावेज है। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते करते महाप्रभु जी ने गंगा में प्रवेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। सबके देखते देखते वे गंगा जी में ओझल हो गए। एक तेज पुंज गंगा जी के प्रवाह से निकला और अनंत आकाश में जाकर विलीन हो गया। चंपारण्य में जिस दिव्य भगवत वदन स्वरूप वैश्वानर का अग्नि का आविर्भाव हुआ था, उसका पुनः अपने शाश्वत दिव्य परम धाम में प्रवेश हो गया। इस घटना को पुष्टि मार्ग में आसुर व्यामोह लीला कहा जाता है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की दृष्टि में महाप्रभु जी की देह गंगा जल में विलीन हो गई थी, किंतु आस्थावान वैष्णवों के मन में यह अडिग विश्वास था कि उनके घरों में श्री महाप्रभु जी सदैव स्थित हैं, उनकी जीवंत प्रतीति उन्हें सदैव होती है। आस्तिक मनोभावना वाले लोग आज भी सूरदास जी के स्वर में स्वर मिलाकर मानो यह दोहरा रहे हैं, हृदय ते यह मदन मूर्ति छिन्न न इत उत जात। श्री वल्लभाचार्य युग दृष्टा, युग सृष्टा, दैवीय महापुरुष थे। यद्यपि उनकी श्लोक की लीला का स्मरण केवल 52 वर्षों में ही हो गया, किंतु उनके उपदेश, उनका साहित्य, उनका जीवन दर्शन, उनका शुद्धाद्वैत दर्शन का सिद्धांत और उनका भावनात्मक पुष्टि मार्ग अभी भी लाखों लोगों को प्रकाश, प्रेरणा और संबल दे रहे हैं तथा अनंत काल तक देते रहेंगे। उन्होंने काशी में गंगा में प्रवेश संवत 1588 में किया था, कहीं कहीं पर संवत 1588 के स्थान पर 1587 भी कहा गया है। संवत 1588 के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, यह तिथि 26 जून 1531 ठहराई जाती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी यात्राओं में जहां श्री मद भागवत का प्रवचन किया था अथवा जिन स्थानों का उन्होंने विशेष महात्म्य बतलाया था, वहां उनकी बैठकें बनी हुई हैं, जो आचार्य महाप्रभु जी की बैठकें कहलाती हैं। वल्लभ संप्रदाय में ये बैठकें मंदिर देवालयों की भांति ही पवित्र और दर्शनीय मानी जाती हैं। इन बैठकों की कुल संख्या 84 है, जो सारे देश में फैली हुई हैं। इनमें से 24 बैठकें ब्रजमंडल में हैं, जो ब्रज 84 कोस की यात्रा के विविध स्थानों पर बनी हुई हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने अनेक भाष्यों, ग्रंथों, नामावलियों एवं स्तोत्रों की रचना की है, जिनमें से प्रमुख 16 को षोडश ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये हैं यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न स्तोत्र, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, श्री कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धिनी, जलभेद, पंचपद्यानी, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण और सेवाफल। इनका शुद्धाद्वैत का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है अणुभाष्य अथवा ब्रह्मसूत्र भाष्य अथवा उत्तर मीमांसा। इसके अतिरिक्त आप द्वारा प्रणीत कई अन्य ग्रंथ जैसे तत्वार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, पत्रावलंबन, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, भागवत पर सुबोधिनी टीका आदि भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मधुराष्टक स्तोत्र में आपने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, गुण, चरित्र, लीला आदि के माधुर्य को अत्यंत मधुर शब्दों और भावों में निरूपित किया है। इनके द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं में पुष्टिमार्ग, रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत और ब्रह्मवाद हैं। पुष्टिमार्ग के अनुसार, क्योंकि प्रभु केवल उनकी ही कृपा से सुलभ हैं, प्रभु को किसी दिए गए सूत्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह केवल प्राप्य है यदि वह प्राप्त करना चाहता है। रुद्र संप्रदाय के अनुसार, रुद्र संप्रदाय क्योंकि श्री वल्लभ के पिता की शुरुआत उस संप्रदाय में हुई थी, क्योंकि इस पंक्ति में ज्ञान सबसे पहले रुद्र यानी भगवान शिव को दिया गया था। शुद्धाद्वैत जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, यह दर्शन ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करने के लिए केवल ब्रह्म पर निर्भर करता है और यह माया की अवधारणा पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह शुद्धा है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड भी सत्य है, आत्मा ब्रह्म का एक अंश है, इसलिए यह अद्वैत है। ब्रह्मवाद, ब्रह्मांड में सभी का स्रोत और कारण है, कहीं भी किसी भी धर्म में अद्वैतवाद का सबसे शुद्ध रूप है। विशिष्ट रूप से यह एकमात्र दर्शन है जो बताता है स्पष्ट रूप से कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सही है जिस तरह से यह है। सब कुछ
प्रभु की आत्मा के साथ है और जैसा कि भगवान अनंत रूप से परिपूर्ण है, सब कुछ परिपूर्ण है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के षोडश ग्रंथों पर श्री हरि राय जी, श्री कल्याण राय जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री रघुनाथ जी आदि अनेक विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में टीकाएं उपलब्ध हैं। सर्वसाधारण के लिए भाषा की जटिलता के कारण ग्रंथों और टीकाओं के मर्म को समझना कठिन रहा है, किंतु श्री वल्लभाचार्य जी के एक विद्वान वंशज गोस्वामी राजकुमार नृत्य गोपाल जी ने प्रत्येक ग्रंथ की समस्त टीकाओं को न केवल एक जगह संकलित किया है, बल्कि पुष्टि मार्ग के भक्तों तथा अनुयायियों के लाभ के लिए उनका हिंदी अनुवाद भी सुलभ कराया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी श्री नाथ जी के अनन्य भक्त थे और हर समय उनमें ही खोए रहते थे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का वह रूप है जिसमें वह केवल 7 वर्ष के होते हैं, यानी के बाल कृष्ण, और भगवान श्रीनाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सामने प्रकट होकर अक्सर उनसे बाल क्रीड़ाएं करते थे, तरह तरह के हट करते थे। कभी उनके पेट के ऊपर लेटकर सोने की जिद करते थे, कभी उन्हें पंखा झलने पर मजबूर करते थे, और वल्लभाचार्य जी भी भगवान श्री कृष्ण की इन अद्भुत लीलाओं में खोए से रहते थे। तो साथियों, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।